ये है दिल्ली की करोल बाग महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सपना रानी बहल। सपना बलजीत नगर वार्ड नंबर 57 से निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदार है। अपनी टिकट की दावेदारी पक्का कराने के मकसद से इन्होंने फरवरी महीने से ही अपने वार्ड के लोगों को फ्री वाईफाई मुहैया कराना शुरू कर दिया है। में जाते थे लोगों से मिलने, हर जगह मिलते थे लोगों से, तो वो कहते थे कि केजरीवाल जी ने वायदे तो बड़े बड़े करे थे कि फ्री वाईफाई देंगे, जैसे कोनाट प्लेस में उन्होंने कहा था कि फ्री वाईफाई देंगे, लेकिन वो वायदा भी पूरा नहीं किया। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक नई पहल करते हैं और अपने लोगों को, जहाँ से मैं टिकट मांग रही हूँ वार्ड नंबर 97 बलजीत नगर से, वहाँ पर हमने फ्री वाईफाई देने की कोशिश की। सपना रानी बहल की ओर से दिया जाने वाला वाईफाई का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए पासवर्ड भी जानना जरूरी है। इसका पासवर्ड सपना रानी बहल ही है। इनका मकसद है कि पासवर्ड के जरिए ही सही, लेकिन जनता तक किसी भी तरह पहुंचा जाए और यूथ को अपने साथ जोड़ा जाए। इस पर युवा क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। हम मेरे सारे जितने भी यहाँ पर हम परमानेंटली जो लोग रहते हैं, हमारे यहाँ रेंटर्स भी रहते हैं, वो भी इस चीज़ से बहुत खुश हैं, क्योंकि सबको फ्री वाईफाई मिल रहा है। तो इस वजह से वो अपना कोई पढ़ाई करने आया हुआ बाहर से, तो वो भी सारे अपने बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं, बाहर जाना पड़ता था उनको साइबर पे, तो वो सारा चीज़ फ़ोन में यूज़ हो रहा, तो वो बेटर है। पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को फ्री वाईफाई देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। सपना रानी को टिकट मिलेगा या नहीं, ये अभी तय भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन इस पहल के जरिए वो जनता के दिलों तक पहुँचने में ज़रूर कामयाब होती दिख रही है। सुमंत कुमार, APN, दिल्ली।